सेमेस्टर टू बीए के बच्चे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर बेस्ड ये मैं वीडियोस बना रहा हूँ, इसको सभी बच्चे देखें। और ये पेपर निर्देशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग का पेपर जो बच्चों के लिए है उसके टॉपिक हैं। तो पहला ये लेक्चर वन है हमारा, लेक्चर वन टॉपिक का नाम है निर्देशन, अर्थ स्वरूप क्षेत्र एवं आवश्यकता। इंग्लिश में से कहते हैं गाइडेंस, मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड नीड्स। निर्देशन गाइडेंस का मतलब है निर्देशन। निर्देशन का अर्थ है दिशा दिखाना अर्थात निर्देश देना, किंतु यहां निर्देश आदेश से भिन्न है। आदेश और निर्देश में देखो क्या अंतर होता है, समझ लीजिए। आदेश में अधिकार होता है और निर्देशन में सलाह होती है। इस प्रकार निर्देशन से आशय किसी बालक या व्यक्ति को दी जाने वाली सलाह या सहायता से है। निर्देशन से तात्पर्य है कि हम किसी व्यक्ति को, बालक को कोई हम सलाह दे रहे हैं। यह सहायता नैतिक, आध्यात्मिक तथा व्यवसायिक क्षेत्र में बड़ों के द्वारा छोटों को दी जाती है। और भी कोई क्षेत्र हो सकता है, किसी भी तरह का एरिया हो जहां पर हम निर्देशन दे सकते हैं, चाहे नैतिक क्षेत्र हो, पुलिस वाले देते हैं, टीचर देता है बच्चों को कि ये काम करो ये काम नहीं करो, इसी तरह से व्यवसायिक क्षेत्र में गाइडेंस दिया जाता है कि किन कार्यों को करें हम, हमारी क्या रुचि है। जैसे अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सेमेस्टर वन में बच्चों के लिए जोड़ा गया है खेल, तो उसका भी अभिप्राय या शायद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के पीछे मंशा यही है कि बच्चे खेल से भी, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज से भी जुड़ें, पढ़ाई के अतिरिक्त भी खेल से जुड़ें और फील्ड वर्क करें, जिससे कि आगे देश का भविष्य खेल में भी आगे निकल कर आए, बच्चे कुछ हद तक मेडल वगैरह प्राप्त कर सके, क्योंकि इस क्षेत्र में भारत काफी पिछड़ा हुआ है। तो अगर हम ये कहते हैं निर्देशन का संबंध भारत से, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत में निर्देशन की परंपरा अति प्राचीन है, बहुत प्राचीन काल से चली आ रही, हजारों हजार साल से। भारत में प्राचीन काल में ऋषि मुनि पुरोहित गुरुजन आदि समाज के सदस्यों तथा छात्रों को निर्देशन सहायता उपलब्ध करवाते थे। तो निर्देशन कोई हमारे लिए भारत के रेस्पेक्ट में कोई नई चीज नहीं है, हमारे यहाँ तो ये ऋषि मुनि करते थे। हर दरबार में, राजा के दरबार में कोई ना कोई ऋषि मुनि होता था जो राजा को सलाह देता था। राम के दरबार में जैसे वशिष्ठ मुनि थे, इसी तरह किसी न किसी राजा के दरबार में एक ऋषि मुनि होते थे जो निर्देशन देते थे, राजा को सलाह देते थे, गाइड करते थे। निर्देशन की कुछ परिभाषाएं हैं इम्पोर्टेंट, इसमें हमने दो सेलेक्ट की हैं। एक गुड ने निर्देशन को परिभाषित करते हुए लिखा है, निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोणों एवं उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील परस्पर संबंधों का एक प्रक्रम है। तो हमारे व्यूज क्या है, निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोणों, उसके क्या आइडियाज हैं, व्यूज हैं, एवं उसके बाद के व्यवहार को, और उसके बाद उसका कैसा व्यवहार है, को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील परस्पर संबंधों का एक प्रक्रम है, इस तरह से गुड ने समझाया। क्रो एवं क्रो ने निर्देशन को परिभाषित करते हुए
लिखा है, निर्देशन का अर्थ निर्देश देना नहीं है, इसमें एक व्यक्ति का दृष्टिकोण दूसरे व्यक्ति पर थोपना नहीं है कि हम अपना कोई दृष्टिकोण हो तो उस पे इम्पोज करें दूसरे पे, ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये व्यक्ति के लिए वे निर्णय लेना नहीं जो उसे स्वयं लेने चाहिए। निर्देश हम जो दे रहे हैं, हो सकता है कि वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, लेकिन हम अगर उसको गाइड करते हैं तो वो निर्णय ले लेता तत्काल कि तुम्हें ये करना चाहिए। जैसे अगर हमने देखा कि उसका साइंटिफिक टेम्परामेंट है तो हम कहेंगे कि बेटा तुमको इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, और शायद वो संकोच कर रहा है तो उसको ऐसा नहीं, वो भी जान रहा है अपने बारे में। तो कभी कभी होती उसकी छिपी हुई पोटेंशियल को, छिपी हुई शक्तियों को हम निर्देशन के माध्यम से उभारते हैं। तो ये यहां पर निर्देशन ये है, निर्देश थोपना नहीं है, दूसरे के जीवन का बोझ ढोना नहीं है, अपितु योग्य एवं सुप्रशिक्षित पुरुष या महिला द्वारा किसी भी आयु के व्यक्ति को दी जाने वाली ऐसी सहायता है कि वह अपनी जीवन क्रियाओं को स्वयं गठित कर सके, स्वयं गठित कर सके, अपने दृष्टिकोण को विकसित कर सके, अपने निर्णय स्वयं ले सके और अपने भार को स्वयं वहन कर सके। हमको उसको गाइड करना है, प्रॉपर गाइडेंस देना है कि क्योंकि उस उम्र में, इस उम्र में 20, 22 साल या 18 साल के बच्चों को उतनी समझ नहीं रहती है, लेकिन अगर टीचर का एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है तो उसका रास्ता आसान बन जाता है। तो निर्देशन ये एक प्रक्रिया है, तो जिसके माध्यम से हम उसके दृष्टिकोण को विकसित करते हैं, वो क्या बनना चाहता है। केवल कहने माध्यम से नहीं, उसके और रास्ते भी बताने पड़ेंगे कि कैसे कैसे तैयारी की जाए जिससे कि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। तो यहां पर हमने इस लेक्चर 1 में सिंपल केवल निर्देशन बताया और निर्देशन की कुछ परिभाषाएं बताई। इसी कॉन्टिन्यूएशन में हम लेक्चर्स को यूट्यूब पे डालते रहेंगे, जिससे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उस पे बेस्ड ये जो कोर्स नया डिजाइन हुआ है सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए, इसके ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तुम लोग इसको अपने पीयर ग्रुप में इसको भेजो, सेंड करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।